पाखेई आसुछि साधारण निर्वाचन। बरगड़ विधानसभा निर्वाचन मंडली पई सबु दलरे प्रार्थीक ना घोषणा हेला परे एबे नेता ओ कर्मी गां मुहा। साधारण निर्वाचन को नहीं प्रचार सरगरम होगा पूर्व बीजेडी बीजेपी कांग्रेस दलर प्रार्थी माने विभिन्न मंदिर नामयज्ञ आदि कार्यक्रम जोग देउछन्ते। 2014 2019 भली 2024 निर्वाचन रे पुणी थरे बीजेडी बीजेपी कांग्रेस दल रे सही पुरुणा चेहरा हेवीवेट प्रार्थी मध्य हेबो जोरदार लड़ी। 2014 रु बरगड़ निर्वाचन मंडली रे बीजेडी रो विजय पताका उड़ुथबा बेले एथरो पुणी थरे गड़ दखल करिबा पई अंटा भिड़ी छि बीजेपी। सेपटे बीजेडी को पराजित करिबा पई रणनीति चलाई छंती बीजेपी और कांग्रेस दल। शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन कृषि शिल्पायन भली विभिन्न प्रसंग नहीं एही तीन हेवीवेट प्रार्थी सहित स्वाधीन प्रार्थी भाव निर्वाचन लड़िबे पूर्वतन विधायक निहार रंजन महानंद सान भाई नंदन महानंद। निर्वाचन रे भोटर को प्रभावित करने बरगड़ रे स्वाधीन प्रार्थी नंदन करिथिले बाइक रैली। आरंभ हैला 2024 साधारण निर्वाचन समर सज्जा। राज्यर 147 आसन मध्यरु बहु चर्चित आसन हेउछि बरगड़ विधानसभा निर्वाचन मंडली। बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस दल रे प्रार्थी टिकट पाइला परे एबे सेमाने होइछन्ती गां मुहा। साधारण निर्वाचन को नहीं प्रचार सरगरम होगा पूर्व बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस दल रे प्रार्थी माने विभिन्न मंदिर नाम यज्ञ आदि कार्यक्रम जोग दे नेउछन्ती आशीर्वाद। 2014 2019 भली 2024 निर्वाचन रे पुणी थरे पुरुणा चेहरा बीजेडी रु देवेश आचार्य बीजेपी रु अश्विनी षडंगी कांग्रेस रु निपन दास हेवीवेट प्रार्थी मध्य हेब जोरदार लड़े। 2014 रु लगातार विजयी हो आसुवा विधायक देवेश आचार्य सरकार विकासमुखी योजना मुख्यमंत्री नीति आदर्श उन्नयन योजनामूलक योजना को मुद्दा कर गाँ गाँ बुली भोटर को भोट भिक्षा करुछन्ते। सेपट एथरे किंतु बीजेपी परिवारवाद एकछत्रवाद हिंसावाद कृषि और कृषकों समस्या बुणाकार शिल्पायन प्रतिष्ठा भ्रष्टाचार स्वास्थ्य समस्या दुर्नीति आदि को प्रसंग भित्तिक मुद्दा कर भोटर लोक भेटुंट बीजेपी प्रार्थी अश्विनी षडंगी। कला साहित्य संस्कृति परंपरार सहर बरगड़ में एथर होब प्रसंग भित्तिक निर्वाचन लड़ी। बरगड़ निर्वाचन मंडल 216,329 भोटर एथर बाछबे से मनपसंद विधायक। बरगड़ पौर परिषद 19 वार्ड बरगड़ ब्लक 27 पंचायत बरपाली ब्लक 7 पंचायत को नहीं गठन हो बरगड़ विधानसभा निर्वाचन मंडल पुणी थरे सही तीन पुराणा हेवीवेट प्रार्थी मध्य होब जोरदार टक्कर। बीजेडी गड़ को दखल करने तृतीय स्थान रही कांग्रेस प्रार्थी निपन दास गाँ गाँ पड़ा पड़ा बुली राज्य और केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार दुर्नीति पानीय जल समस्या कृषि समस्या भली प्रसंग को नहीं भोटर को भेटुंट। सेपटे शिक्षा स्वास्थ्य बेकारी समस्या शिल्पायन भली प्रसंग को नहीं तीन हेवीवेट प्रार्थी सहित स्वाधीन प्रार्थी भाव निर्वाचन लड़े पूर्वतन विधायक निहार रंजन महानंद सान भाई नंदन महानंद। निर्वाचन में भोटर को प्रभावित करने बरगड़े स्वाधीन प्रार्थी नंदन करते बाइक रैली। निश्चित भाव में चलित निर्वाचन में बरगड़ समस्त गुरुजन मैंने माँ मौसी मैंने युवक भाई मैंने पुणि थे विजु जनता दल को शंख चिन्ह को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और विजु जनता दल ये विपुल परिमाण में विजयी हेब ए कौन सन्देह नहीं। आपण जानती मान्यवर मुख्यमंत्री जो दीर्घ 24 वर्ष धरिकी ओडिशार आज जो ओडिशा को गोटे सर्वश्रेष्ठ राज्य भाव में गढ़ी तोलने सदा सर्वदा चेष्टित रही से ही परिप्रेक्षी बरगड़े भी मध्य शिक्षा क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में गमनागम क्षेत्र में जलसेचन क्षेत्र में सबू क्षेत्र में किभली भाव में बरगड़ को अग्राधिकार दिजा से योजना गुड़ाक कार्यकारी हो गंगाधर मेहर जलसेचन प्रकल्प कथा कह कि बरगड़ कैंसर हस्पिटाल कथा कह बरगड़ इंडोर स्टेडियम
स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जहाँ कथा कह सब क्षेत्र में बरगढ़ को किभली भाव में आम आगू ना तार आम कार्यक्रम रखीचु एवं जो विरोधी कहते हैं नक्षत्र बाद परिवार बाद हिंसा बाद कौन कह से विषय टिप्पणी देवार मोर ठीक हम ना मुझे माननीय मुख्यमंत्री कौन कर बरगढ़ बरगढ़ से साधारण जनता ठीक भाव जानते जो मैंने इटा गुटे कि बाली मुठे ये अंचल पकई ना से मैंने जदि डेवलपमेंट कथा कहे से कथा गोटे हास्यास्पद कथा माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट लास्ट सेसन में परिवार बाद संज्ञा तांकर दलर नेतृत्व को ठीक बुझ भाव में बुझेचंती से बुझी पारुनांती से अधिका बुझेबार ठीक हे ना परिवार बाद संज्ञा माननीय प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट कहले जो परिवार सदस्य मैंने मेहनत करते परिवार बाद परिसीमा भितर आसुना बोली दयापूर्वक से बुझी जातु एवं जहाँ आज आम माननीय मुख्यमंत्री जहाँ निर्देश दिखते कथा कम कम बेस से ही नारा आम जाऊ ये निर्वाचन एक प्रसंग भित्तिक निर्वाचन हेबो बरगढ़ जिले में अनेक समस्या रही अनेक प्रसंग रही सब प्रसंग को लेकर आम लोक मान जाऊ केन्द्र रे नरेंद्र मोदी सरकार आसला परे जो लोकाभिमुखी काम गुड़िकटा लोक मानकू लेकर ओडिशा सरकार विगत 25 वर्ष बरगढ़ रे जो मैंने आज शासन करे मसीह आज पर्यंत लगभग 34 वर्ष कौन डेवलपमेंट करे कथा मानक नहींक आम लोक मानक जीटा गोटे कृषि भित्तिक जिला कृषक मान जिला एटी कृषक तार धान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस रे बिक्री करी पारु नाही कटनी छटनी हो पर क्विंटल 7 केजी 8 केजी 10 केजी पर्यंत कटिंग हो ठीक समय तार प्राप्य पाईना तार धान ठीक से उठे पारना मंडी व्यवस्था ठीक ना तो ये अनेक ये अच्छी इनपुट सब्सिडी पाईना आपणकर इन्सुरांस पैसा ठीक समय पाईना ये सब समस्या अच्छी द्वितीय यहाँ गोटे आपणकर इंडस्ट्रियल एरिया थिला 90 मसीहा जिते बेले ये परिवार आसिले गुटे परे गुटे गुटे परे गुटे गुटे परे गुटे बुड़गला एवं बिक्री करिवार आरंभ कले आपण देखिथे एवं सुगर मिल जो जगह अच्छी 72 एकड़ को 41 कोटी टंकारे साग माछ पर बिक्री करदे सीमेंट फैक्ट्री को साग माछ दर में बिक्री करदे तो कहीं ना कहीं ये परिवार ये बिक्री करिवार पछरे मुख्य जदि षड्यंत्रकारी जदि किए ताहले बरगढ़ रे थिबार आचार्य परिवार ही ये मिल फैक्ट्री बिक्री कर मुनाफा कमे मुनाफा ही हाथ रही दिन थिला जे राज्य तथा राज्य बाहर बरगढ़ शहर को चाकरी अन्वेषण में लोक आसुले दुर्भाग्य कथा ये परिवार आसला परे आज आमर युवक माने आमर श्रमिक माने आज जिला बाहर को तथा राज्य बाहर को दादन खटिबा को जाउचंती चाकरी करिबा जाउचंती ये कथा रहइबो। तृतीय कथा हला जे एटा गोटे बुणाकार मान जिला ये बुणाकार तार आज ठीक से प्राप्य पाईना जो बस्तालय अच्छी बस्तालय सभापति किए हबार कथा जड़े बुणाकार हबार कथा जार कौलिक बुद्धि बुणाकार सी हबार कथा आज किए अच्छी जी एटी विधायक अच्छा बड़ भाई लंबा समय है बस्तालय को कब्जा रखी सीमेंट फैक्ट्री को कब्जा रखी तो सी आसिक गोटे सोसाइटी बुणाकार बोलिक लिखी बरपाली ब्लॉक रो बनपाली जीपी रो गोटे सोसाइटी रू से निजे आसिकी गोटे बुणाकार बोली लिखी प्रकृति से कौन बुणाकार कि बुणाकार मानकर अधिकार भी माने छीनवा को पछौना एटी बाली माफिया खणी माफिया आपणकर जमी माफिया ये मानकर सांगरे मिसिकी आज ये बरगढ़ को लुट करुचंती बहुत दुर्भाग्यर कथा विगत दिन रे जो म्युनिसिपालिटी भी चेयरमैन हला चेयरमैन इलेक्शन हला निष्पत्ति किए कला एठिकार जमी माफिया माने निष्पत्ति कले किए कैंडिडेट हेबो आज बुद्धिजीवी एवं सांगे नहांती किए अच्छी ठिकादार असाधु बेपारी
ଜମି ମାଫିଆ ବାଲି ମାଫିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ପଳେଇଗଲା ଆଜି ବରଗଡ଼ରୁ ପଳେଇଗଲା ଖେଦାପାଲିକୁ, ବରଗଡ଼ ଯେଉଁ ସିଏସ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନାମକୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପିଏସ୍ସିର ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇପାରିନାହିଁ। ଆଜି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ଯେଉଁ ଖେଦାପାଲିରେ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ରେଫରିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯିଏ ରୋଗୀ ଯିବ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁର୍ଲାକୁ କଟକକୁ ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲ୍ଡିଂ ଖାଲି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଠି ନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି 40% 50% ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ପଳେଇଗଲେ ଇଏ ଖରା ମାସରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିକିରି ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ 6 ଲିଫ୍ଟ ଅଛି ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଲିଫ୍ଟ ଚଳୁନାହିଁ। 6 ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଚଳୁଛି ଓନ୍ଲି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ରୋଗୀ 5 ଉପରକୁ କେମିତି କରି ଯିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଇଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପରିବାର ସବୁ ମିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୁଡ଼େଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଇନୁ ଗୋଟେ ଇଥାନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି 1800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଗଭଗ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜି ଇଥାନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏଠିକାର ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଏଠିକାର ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେବେ ତାଙ୍କର ନଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିକିରି। ଆଜିକା ଯେନ୍ଟା ରଖାହେଇଛେ ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଯେନ୍ ରଖାହେଇଛେ, ଏଇଟା ଆମ ବରଗଡ଼ର ଲୋକ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଆମର କୌଶଳ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେଟା ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କେ ଡିକ୍ଲିୟର କରବାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆଜିକା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରଖାଇ ରହ। ତ ଆପଣ ତ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବେ, କେଉଁ ବ୍ୟାନର ଲଢ଼ିବେ, କ'ଣ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ? ମୁଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଲଢ଼ୁଛେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କୌଶଳ ସଂଗଠନ ଯେତେ ଅଛନ୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥିତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଆମେ କ'ଣ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ରହିବ? ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ରହିବ, ବିକାଶର ଲାଗି ଆମେ ଇଏ କର୍ମୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ଶିକ୍ଷା ହଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ନିହାର ମହାନନ୍ଦ ବିଜେପିର ଅଥାପରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବରଗଡ଼ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବେ, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କିଛି ଲିଗାଲ୍ ଗେମ୍ ରହିଛି କି? ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ରହି। ମୁଇଁ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୋ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେ, କେବେ ବି ଆଜ ତକ କେନ୍ସି ପଲିଟିକାଲ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ନାଇଁଥାଇ। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇର ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା, ମୋର ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ କେନ୍ସି ଦଳର ଝଣ୍ଡା ନାଇଁ ଧରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭାଇ ବିଜେପି ଦଳରେ ତ ସେ ବିଜେପି ହେବେ, ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଝଣ୍ଡା ଧରବା ପଡ଼ବା, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ କହିବାର କି ସେ କଥା କିଏ ରଖିବେ କି ଭାଇ କଥା କିଏ ରଖିବେ? ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିୟର କରିସାରିଲିନ, ବିଧାନସଭା 2009 ମୋର ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲା, ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ମୁଁ ନା ଧରିଛି କେନ୍ସି ପାର୍ଟି ଝଣ୍ଡା, ଆଜି କେବେ ନା ଧରି, ତ ଆଗକେ ବି ମୋତେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ କେନ୍ସି ପାର୍ଟିର ଝଣ୍ଡା ଧରବା ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡ଼ି ତାର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଗାଁ ଯିବ, ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯିବ, କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ସରକାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଯେ ଭୋଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଦେଖୁନ୍, ଆମର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇନୁ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଆମର ଇନୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 5.5 ଲକ୍ଷ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ଏଇ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଏଇଟା ବେକାରୀ ଯୁବକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ଆମର ଇଆଡ଼େ ଏଜୁକେସନ୍ର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କେନ୍ତା ଟିଚରମାନଙ୍କର ଅଭାବ ରହୁଛେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ବରଗଡ଼ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେନୁ ଡକ୍ଟରର ଅଭାବ ରହୁଛନ୍ ସବୁବେଳେ, ତ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛେ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇ ପାଇପାରବାର, ଆମର ଲେବର୍ମାନେ ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛେ, ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ମିଳିବାର କଥା ସେ ମଜୁରୀ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଇପାରବାର, ତ ସେଇ ସମସ୍ୟା କେ ନେଇକରି ହିଁ ଆମେ ଆଗକେ ବଢ଼ୁ। ବରଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3 ଜଣ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା, ପୁରୁଣା ନେତା, ଆପଣ ନୂଆ ଚେହେରା, କେମିତି ଫାଇଟ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା ଯେ ସେମାନେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ହୋଇଥିବେ, ବାକି କଥା ଏଇଟା ରହିଲା ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଲାଗି ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ କେତେ କଥା ରଖିଛନ୍, ଆଜି ତ କୌଶଳର ବାର୍ତ୍ତା କେବେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ କେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପହଲା କଥା, ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ଯେନ୍ଟା ବିଗତ 80ରେ ଯେନ୍ 1980ରେ ଯେନ୍ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଥିଲା ସବୁ କିଛି କାଁ ହେଲେ ଯେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ରେ ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସୁଗର ମିଲ୍, ତାପରେ ଆମର ସୂତା ମିଲ୍, ସାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଅଏଲ୍ ମିଲ୍, ଇସବୁ ଜିନିଷ୍ କାଁ ହେଲେ ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ଯଦି ବି ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଲେ ସେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାଁ କରି ସେମାନେ ନାଇଁ କରିପାରିବେ? ଯଦି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତ କାଁ ହେଲା ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ସେଇ ଜିନିଷ୍ମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ ରଖିପାରିଲେ ସେମାନେ?
आमे चाहूँ ये अंचल विकास हो जदि से शिल्पानुष्ठान आज बंद हो तार पुनरुद्धार करार काम भी तांगर थिला लेकिन क्या है से नहीं करें से तो से कैन टाइप हेवीवेट नेता जी आपसाइड करे पहला आर ये अंचल जब विकास चाहूँ लोकंर पाके आपड़ जा पचरुन के समस्या अच्छे जे खाली ये भोट बेल के राजनीति कर मद मांस पांच करोट घिनुन आर इतार छड़ा किसी नुहे से तो लोक चाहूँ इथर परिवर्तन आर परिवर्तन जरूर हवा। बरगढ़ प्रदीप महंती रिपोर्ट मेट्रो टीवी ओडिशा। हेलो 10th एग्जामिनर्स आपण माने एमटेक का स्कूल खोजुचंती कि जेउंथि इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परबे तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु जा एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।